नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेक्शन 13 क्लॉज 1, ठीक है, जिसमें हम ग्राउंड्स करेंगे डिवोर्स के, कुछ ग्राउंड करेंगे। हमने डिवोर्स के लिए हमने पढ़ा था सेक्शन 13 एंड सेक्शन 13 बी, हमने पिछले टॉपिक में किया था कि डिवोर्स के लिए सेक्शन 13 और 13 बी पढ़ना पड़ेगा। उसमें हमने 13 क्लॉज 1 को देखा था, 13 क्लॉज 1 ए, 13 क्लॉज 2 और 13 क्लॉज बी, ठीक है, ये दो मैंने करा दिए थे। ये अब हम करने लगे हैं एज ए प्राइमरी रेमेडी जो है, ये अब हम इसमें करने लगे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 13 क्लॉज 1 में एज ए प्राइमरी रेमेडीज टोटल कुछ 9 ग्राउंड्स हैं। रॉन्गफुल एक्ट कह सकते हैं, डिजीज कह सकते हैं और अदर ग्राउंड्स, इनको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। जो 9 ग्राउंड्स हैं इनको तीन तीन ग्राउंड्स को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, कुछ रॉन्गफुल एक्ट्स पे है, कुछ डिजीज पे है और कुछ अदर ग्राउंड्स है, ठीक है। ये हेडिंग नहीं दी हुई है पर ये समझने के लिए, हमें याद करने के लिए इनको हमने अलग क्लासीफाई कर लिया है। रॉन्गफुल एक्ट में हम पढ़ेंगे अडल्ट्री, क्रुएल्टी एंड डिजर्शन और डिजीज तीन तरह के, अनसाउंड माइंड, लेप्रोसी और वेंडल डिजीज। वैसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कोई डिजीज नहीं है पर समझने के लिए हमने इसको क्लासीफाई करने के लिए हमने इसको डिजीज में डाल दिया। और अदर ग्राउंड, मिसलेनियस ग्राउंड जो बच गई है, जो इसमें इन दोनों में कवर नहीं होती, वो अदर ग्राउंड्स है कन्वर्जन, रेनाउंस ऑफ वर्ल्ड और मिसिंग फॉर 7 ईयर्स, ये अदर ग्राउंड्स में आ गया, ठीक है। तो ये सेक्शन पढ़ लेते हैं, वहां से हमें क्लियर होगा। सेक्शन 13 डिवोर्स, टॉपिक हमारा डिवोर्स वाला चल रहा था और इसका हम क्लॉज 1 पढ़ने लगे हैं। एनी मैरिज सॉल्मनाइज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, मैरिज थी चाहे इस एक्ट से बनने से पहले बनी है या बाद में हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता। मे ऑन ए पिटिशन प्रेजेंटेड बाय ईदर द हस्बैंड और द वाइफ, तो ये जो इस क्लॉज में जो है दोनों डाल सकते हैं, ईदर हस्बैंड और वाइफ, दोनों में से दोनों को राइट है, ठीक है। बी डिजॉल्व बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड दैट द अदर पार्टी, ठीक है, डिवोर्स की डिग्री लेके की जा सकती है, दैट द अदर पार्टी ऑन द ग्राउंड दैट द अदर पार्टी, ठीक है, अदर पार्टी जो है उसने ये कुछ चीजें की हैं उसकी वजह से कर रहे हैं। पहला क्लॉज है एज आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज हैड वॉलंटरी सेक्शन रिकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस, 1A हैज आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएलिटी, 1B has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Then clause 2 has ceased to be Hindu by conversion to another religion. 3rd has been incurably of unsound mind or has been suffering continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent. एक्सप्लेशन एंड इस क्लॉज में द एक्सप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर मीन्स मेंटल इलनेस, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डिवेलपमेंट ऑफ माइंड, साइकोपैथिक डिसऑर्डर और एनी अदर डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड एंड इंक्लूड सिज़ोफ्रेनिया, बी द एक्सप्रेशन साइकोपैथिक डिसऑर्डर मीन्स ए परसिस्टेंट डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड वेदर नॉट इंक्लूडिंग सब नॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस विच रिजल्ट इन एबनॉर्मली अग्रेसिव और सीरियसली इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द अदर पार्टी एंड वेदर नॉट इट रिक्वायर्स और इज ससेप्टेबल टू मेडिकल ट्रीटमेंट और हैज बीन सफरिंग फ्रॉम विंडल डिजीज इन ए कम्युनिकेबल फॉर्म और हैज रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर और हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बींग अलाइव फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स और मोर बाय दोज पर्सन हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ इट एट दैट पार्टी बीन अलाइव, ठीक है। तो ये कुछ ग्राउंड है, इनको हम आगे फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं। पहले तो हम इनको 1-2 में करके लिख लेते हैं 9 ग्राउंड को, 1, 2, 3, टोटल 9 ग्राउंड है, इनके क्लॉज लिख लेते हैं, ये क्लॉज ही लिख लेते हैं सीधा, तुम ऐसा करो क्लॉज सारे क्लॉज वाइज लिख लेते हैं ताकि आपको याद हो क्लॉज कौन कौन से हैं। तो अडल्ट्री जो है ये क्लॉज सब क्लॉज 1 है, मतलब इसके 13 क्लॉज 1 का आगे सब क्लॉज आ जाएगा।
क्लॉज है, यहाँ लिख लेते हैं ये वन में, ठीक है, कोरिलेटिव वन ए है, डिजेशन वन बी है, अनसाउंड माइंड है थ्री है, लेप्रोसी फोर है, वेंड्रल डिसीज जो है ये फाइव है, कन्वर्जन टू है, राउंड्स ऑफ वर्ल्ड जो है वो सिक्स है, और सेवन ईयर जो है ये सेवन है, ठीक है। ये टोटल ग्राउंड्स हैं, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट ग्राउंड क्या कह रहा है, हैज आफ्टर सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज हैड वॉलंटरी सेक्स इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस, ठीक है। तो ये थोड़ा वाइडर कंसेप्ट आ जाता है, हैड वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस, ठीक है। तो अब अगर वाइफ का रेप हो जाए तो क्या हस्बैंड के पास राइट आ जाएगा, ठीक है। क्या लगना, अगर रेप हो गया तो वो वॉलंटरी नहीं था, उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स वॉलंटरी नहीं था, ठीक है। और कुछ केसेस में क्या है, हस्बैंड जो है वो वाइफ को एज ए प्रोस्टिट्यूट उससे काम करवा रहा है, उसको प्रोस्टिट्यूशन करवा रहा है, और उसी ग्राउंड पे डिवोर्स ले रहा है, तब भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी जो उसका था वॉलंटरी नहीं था उसका एक्ट, ठीक है। जो हस्बैंड जो है वो वाइफ को खुद जो प्रोस्टिट्यूशन करवा रहा है, या फिर कनाइमेंस है, या फिर अलाउ कर रहा है, उसको पता है हस्बैंड को और उसने उसको कंडोन कर दिया है, तो उस केस में भी डिवोर्स नहीं ले सकता। ये केस था जिसमें उसने खुद देख लिया वाइफ को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में, देख लिया हस्बैंड ने, उसके 8 साल बाद उसने उसके पिटीशन डाल दी कि मैंने देखा था इसको वाइफ जो थी ये किसी और आदमी के साथ इसे इंटरकोर्स कर रही थी, खुद आई विटनेस था, खुद 8 साल बाद डाल दिया। तो अब वो जो 8 साल थे वो उसने कंडोन कर दिया एक तरह से, अब वो 8 साल बाद नहीं डाल सकता, ठीक है। अगर उसने कंडोन कर दिया उस एक्ट को तब भी नहीं डाल सकता। यहाँ पे जो लिखा ना जो हैज आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज हैड वारंटी सेक्शन इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस, तो इस ये कंसेप्ट बहुत सारे जजमेंट्स पे है, मैं नोट भेजूंगा आपको कुछ उसमें। तो अगर उसने कंडोन कर दिया तब भी नहीं वो उसके लिए होगा, खुद भेज दिया है, ठीक है, खुद करवा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है, तब भी नहीं होगा। और वाइफ के साथ किसी ने अगर जबरदस्ती रेप कर दिया उसमें भी वो ये ग्राउंड नहीं बनेगी, क्योंकि वो जो है वॉलंटरी सेक्शुअल इंटरकोर्स होना चाहिए। पहले यहाँ पे था लिविंग इन अडल्ट्री वर्ड था, ठीक है, जो अब वहां पे था लिविंग इन अडल्ट्री, तो उसमें जो लिविंग इन अडल्ट्री वर्ड था जो अर्लियर जो था जो फ्रेज थी वो यूज होती थी लिविंग इन अडल्ट्री, ठीक है, शी और ही लिविंग इन अडल्ट्री, ठीक है। अब लिविंग इन अडल्ट्री का मतलब जो है वो एक बड़ा कंसेप्ट था, लिविंग इन अडल्ट्री मतलब एक आधा जो लैप्स हो गया, एक आधी बार भी अगर हो गया तो वो अडल्ट्री में इसमें कवर नहीं होता था। लिविंग इन अडल्ट्री मतलब कॉन्टिन्यूस पीरियड है, एक आधी बार अगर वो कहीं इंटरकोर्स कर लिया शादी के बाहर तो उसको नहीं मानते थे, वो डिवोर्स की ग्राउंड नहीं थी। लिविंग इन लगातार वो रही बार वाइफ या हस्बैंड रही अलग रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली अडल्ट्री में रह रहे हैं, लिविंग इन अडल्ट्री मतलब अडल्ट्री में ही रह रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, तब उसको माना जाता था डिवोर्स की ग्राउंड। पर यहाँ पे क्या कर दिया, हैड वॉलंटरी सेक्शन इंटरकोर्स, इसको कुछ चीज़ों में नैरो कर दिया कि एक भी लैप्स हो गया, एक बार भी अगर कोई एक्ट हो गया शादी के बाहर तो वो ग्राउंड बन जाएगी डिवोर्स की, ठीक है। एक सिंगल लैप्स भी जो है वो भी ग्राउंड है डिवोर्स की, सेक्शन इंटरकोर्स सिंगल इंस्टांस भी। और दूसरा है ये सीरी को क्या होता है, ये क्या हो जाती है, चलो अब नहीं बोलना, ठीक है। अगर वॉलंटरी एक लैप सिंगल लैप भी है वो भी अब ग्राउंड है डिवोर्स की,
और अगर वो कंडोन कर दी है, उसने एक दी बार देख लिया और उसके बाद हस्बैंड या वाइफ ने कंडोन कर दिया, वाइफ ने देख लिया कि हस्बैंड ने कहीं बाहर रिलेशन में है पर उसने उसको कंडोन कर दिया, अब एक बार कंडोन कर दिया है उसके बाद दोबारा उस ग्राउंड पर डिवोर्स नहीं, या तो उसके बाद बिल्कुल ही खत्म कर दिया, रिश्ता खत्म कर दिया और डिवोर्स अप्लाई कर दिया, फिर तो ठीक है। पर अगर कंडोन कर दिया उसके बाद फिर उसी ग्राउंड को बाद में एक फर्दर किसी स्टेज पे जाके उसको ग्राउंड बनाने, फिर ग्राउंड नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे हैड वॉलंटरी सेक्शन, वो वॉलंटरी वर्ड है, अगर रेप वगैरह हो गया, इनवॉलंटरी एक्ट हो गया है तो वो इसमें कवर नहीं होगा, ठीक है। इस पर तो थोड़ी डिटेक्शन में कराऊंगा बाद में। नेक्स्ट है 1A, हैज आफ्टर द सलमेशन मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएलिटी। अब क्रुएलिटी अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ट्रीटेड विद क्रुएलिटी, ठीक है। क्रुएलिटी कुछ भी हो सकती है, उसमें बहुत सारी जजमेंट्स हैं, मेन जो क्रुएलिटी पे वो दास्ताने वर्सेस दास्ताने की जजमेंट आती है, उसमें मैं डिक्टेशन भी कराऊंगा। और क्रुएलिटी और जो इररिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, ठीक है, ये टॉपिक हम इकट्ठा भी करेंगे। आज मैं क्रुएलिटी पे थोड़ी सी डिक्टेशन कराऊंगा, फिर उसको दोबारा फिर डिक्टेशन में रिपीट कराऊंगा कुछ और इररिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में, ठीक है। देखा जाए तो इररिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो है ना, वो क्रुएलिटी को की ही जो डेफिनेशन है उसको वाइडर कर दिया बहुत ज़्यादा। इररिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो है क्रुएलिटी का ही पार्ट है, क्रुएलिटी की ही एक्सटेंशन को हम कह सकते हैं इररिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। पहले जो क्रुएलिटी था उसको एज ए एक कंसेप्ट, एक नैरो कंसेप्ट लिया जाता था, नैरो भी काफ़ी बड़ा था, पर जब उनको लगा कि अब सिर्फ ये नहीं है क्रुएलिटी, जब उनको लगा कि एक वाइफ जो है हस्बैंड को अपने हस्बैंड के दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती कर रही है, उसके एम्प्लॉयज के सामने, मतलब उनके जो ऑफिस के जो स्टाफ है उसके सामने कुछ कमेंट कर देती है, तो उसको भी उन्होंने मान लिया कि क्रुएलिटी है, वो उस कंसेप्ट को वाइडर कर दिया, तो अब उसको इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में ले आए वो। तो मतलब देखा जाए तो इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो है वो क्रुएलिटी की ही एक्सटेंशन है, उसका वाइडर कर दिया। वैसे क्रुएलिटी पे दास्ताने वर्सेस दास्ताने केस एक माना जाता है, जिस केस में था, मतलब फॉरन की जजमेंट है, फॉरन का केस है, दास्ताने में लिखाऊंगा, डिटेशन लिखाऊंगा उस पर। तो इसमें केस में सबसे ज़्यादा जो क्रुएलिटी को एक्सप्लेन इसी में किया गया कि एक्चुअल में क्रुएलिटी है क्या, ठीक है। हस्बैंड वाइफ जो थे दोनों बहुत मतलब पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड थे दोनों, हस्बैंड और वाइफ। तो हस्बैंड ने अगर उसको लिस्ट दे दी थी बाद में वाइफ को कि तूने ये चीज़ें करनी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल से हो गया था उनका, पढ़ लिखे इतने ज़्यादा, मतलब वो जो चले जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी कहते हैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी बंदा बेवकूफ़ होता है, एक वर्ड यूज़ करते हैं, ज़्यादा पढ़ा लिखना भी बंदे दिमाग ख़राब हो जाता है, हम कहते हैं ना कि ज़्यादा पढ़ने से भी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि दोनों जो कपल थे ना बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, बहुत पढ़े लिखे थे, तो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अब हस्बैंड ने क्या करते थे, एक लिस्ट पढ़ा दी थी वाइफ को कि तुमने ये चीज़ें ऐसे ही करनी है, और वो उस लिस्ट में 2 दर्जन से ज़्यादा कहते हैं उसमें लिस्ट में उसने वो दिया हुआ था, उसको प्रोटोकॉल की एक लिस्ट बना दी थी जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा प्रोटोकॉल थे उसमें, ठीक है, कि तुम जो खाना वो ब्रास के बर्तनों में ही पता नहीं दोगी या नहीं दोगी, पित्तल के बर्तनों में, कुछ ऐसा उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि तुम ज़्यादा नहीं बोलोगी, मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करोगी, वो भी उसने उसमें लिख दिया, लिस्ट में पकड़ा दी थी वाइफ को कि तुम ये प्रोटोकॉल फॉलो करोगी, तुम उसमें ज़्यादा बातें नहीं करोगे तुम, ठीक है, खाना मुझे इसमें नहीं दोगे, ये टाइम होगा, मतलब ऐसी लिस्ट दे दी थी। तो उन्होंने उसको भी एक क्रुएलिटी मान लिया था कि ये भी एक मेंटल क्रुएलिटी है, सिर्फ फिजिकल क्रुएलिटी नहीं आती, फिजिकल तो है जहाँ पे, और वैसे भी हम क्रुएलिटी जब पढ़ते हैं 498A वाली में डिफाइन की, IPC में भी पढ़ते हैं, तो वो भी दोनों है, मेंटल भी है क्रुएलिटी और फिजिकल भी है, ठीक है। वाइफ अब उसमें की है कि अगर वाइफ जो है हस्बैंड को रिलेशन नहीं बनाने दे रही है, अब हस्बैंड वाइफ रिलेशन नहीं बना रहा, वो भी अमाउंट ऑफ क्रुएलिटी है, ठीक है। उनको उसके स्टाफ के सामने उसको बोल देना, स्टूडेंट्स के सामने बोल देना, उसमें दास्ताने वर्सेस दास्ताने में कुछ ऐसा ही था, नहीं मेन दास्ताने वर्सेस दास्ताने किए बिना आपका क्रुएलिटी टॉपिक कंप्लीट ही नहीं होगा कभी, बिना दास्ताने के आपके कभी कंप्लीट, दास्ताने कराते हैं, पक्का कराते हैं। मैं बताता तो मैं डिक्टेशन कराऊंगा उस पर, दास्ताने वर्सेस दास्ताने पे, दास्ताने वर्सेस दास्ताने के बिना आपका कभी कम होगा नहीं, क्रुएलिटी जब भी आ गया ना तो दास्ताने वर्सेस दास्ताने जजमेंट जरूर लिख के आनी आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसी में उन्होंने सबसे पहले बताया था कि क्रुएलिटी होगी क्या, ठीक है, कि जो मेन इसी पे है, दास्ताने वैसे दास्ताने पे है। तो क्रुएलिटी में काफ़ी चीज़ें हैं कि हस्बैंड अगर मतलब उसको कमेंट कर रहा है, ताने दे रहा है, ठीक
ठीक है, डॉरी तो है ही है, डॉरी के लिए तो अलग से है, अगर डॉरी के लिए कमेंट कर रहा है वो तो क्रुएल्टी है ही है, ठीक है, वो तो 498A में अपने आप में क्रिमिनल लाइबिलिटी बन जाती है। अदरवाइज भी कोई कमेंट कर रहा है उसको फैमिली को मेंबर्स को लेके, उसके पेरेंट्स के लिए कमेंट कर रहा है, तो वो भी कहीं क्रुएल्टी में आ जाता है, तो फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल क्रुएल्टी भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मैं रिटर्न ब्रेकडाउन मैरिज के साथ जब हम म्यूचुअल कंसेंट करेंगे वहाँ पर मैं थोड़ा और डिस्कस करूँगा इसको। फिर बी ए वन बी हैज डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर ए कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ईयर्स है वो 2 ईयर्स है, नॉट लेस देन 2 ईयर्स डिजर्ट किया हुआ है। अब डिजर्शन जो है ये जरूरी नहीं है कि डिजर्शन अलग अलग रह रहे हो, कुछ केसेस में जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ एक ही छत के नीचे रहते थे उसको भी इन्होंने डिजर्शन मान लिया। ठीक है, जैसे शादी होगी, एक केस था जिसमें शादी होगी तो वहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि मेरी शादी जो है वो जबरदस्ती हुई है, मैं मतलब मेरे तो सपनों में कोई और, मेरे ख्वाबों ख्यालों में तो कोई और लड़की है, तुमसे मेरी मतलब शादी तो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ है जो मेरे घर वालों की वजह से मुझे करना पड़ा, मैं तुम्हारे साथ मैं शादी नहीं, तुम्हारे दिल से मैं तुमसे नहीं जुड़ सकता। ठीक है, कोहेबिटेशन भी हुई, बच्चे भी पैदा हो गए, हस्बैंड ने क्या किया अपना एक अलग रूम बना लिया घर में, अलग कमरे में एक अलग कमरा ले लिया घर में, वहीं पे रहता था, उसके दोस्त वहीं से आते थे, वहीं से दोस्तों के साथ घूम लेता था, वहीं से चला जाता था, वाइफ के साथ कोई रिलेशन नहीं था, वाइफ को उसने एक पैसे लगा दिए थे, इतने पैसे तुझे दूंगा मैं हर महीने, उससे तो खर्चा चला, बच्चों का भी खर्चा चला, उसको भी डिजर्शन मान लिया उन्होंने कि सिर्फ पैसे दे देना, मेंटेनेंस कर लेना, ये नहीं है कि वो डिजर्शन, वो भी डिजर्शन है, इट अमाउंट्स टू डिजर्शन, इकट्ठे रहने, एक बेड में भी इकट्ठे सोने, पर हस्बैंड वाइफ को बुलाता ही नहीं है, दोनों का आपस में कोई हाई रिलेशन ही नहीं है, रहते इकट्ठे हैं, तो मतलब वो भी डिजेशन हो सकती है कि इजिकल, सिर्फ फिजिकल डिजेशन नहीं है, फिजिकल मतलब कि दोनों अलग अलग दूर दूर रह रहे हैं, अलग अलग घर पे रह रहे हैं, वो ही डिजेशन नहीं है, एक घर के अंदर रहना भी, एक छत के नीचे रहना भी डिजेशन हो सकता है, क्योंकि सिर्फ जो है डिजेशन मतलब जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन सिर्फ ये नहीं है, इकट्ठे रहना नहीं है, एक दूसरे के साथ मतलब मेंटली भी अटैच होना चाहिए दोनों को आपस में। ठीक है, जो हस्बैंड और वाइफ ने जो आपस में जो बातें करनी है, जो कुछ चीज़ें जो प्रॉब्लम है, जो शादी होती है तो यही होता है कि मेरी प्रॉब्लम, ठीक है, हम दुख सुख बांटने, दुख सुख के साथ ही होते हैं ना शादी के बाद, हम दुख सुख के साथ ही हैं, दुख सुख तो तभी बांटेंगे जब बातें करेंगे, तो अब दुख सुख तो बांट नहीं रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, पर उसको भी डिजेशन माना जा सकता है, मतलब तो डिजेशन इतना बड़ा कंसेप्ट है, डिजेशन सिर्फ फिजिकल डिजेशन नहीं है, डिजेशन जो है कंस्ट्रक्टिव डिजेशन हो सकती है, भी हो सकती है। ठीक है, डिजेशन जो है वो जरूरी नहीं फिजिकल हो, मेंटल डिजेशन भी हो सकती है, जिसको कंस्ट्रक्टिव डिजेक्शन भी कहा जा सकता है। ठीक है, डिजेशन होनी चाहिए, एक तो डिजेशन तो सिंपल तो ये होगी कि अलग अलग रह रहे हैं, वाइफ अलग है हस्बैंड अलग है, वो तो डिजेशन होगी, हस्बैंड ने छोड़ दिया, वाइफ ने छोड़ दिया, वो तो डिजेशन होगी, इकट्ठे रह के भी जो मेंटल बॉन्डिंग होनी चाहिए आपस में, अगर वो बॉन्डिंग नहीं है तो उसको भी डिजेशन कहा जा सकता है, कि वो भी डिजर्ट है, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, तो उसको भी डिजेशन माना जा सकता है, अलग होके भी इकट्ठे ना होना वो भी डिसेशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्लॉज टू है सीज टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। अब हिंदू धर्म छोड़ दिया, ठीक है, तो अब वो वाइफ ने, हस्बैंड या वाइफ ने शादी की है हिंदू समझ के, हिंदू मैरिज एक्ट में तो शादी तब होगी जब हिंदू थे, अब उसके बाद कन्वर्ट हो गए हैं, हिंदू से धर्म छोड़ दिया, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कन्वर्जन कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ना हो, वो एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, तभी यहाँ पे वर्ड मे यूज़ किया है, ठीक है, मे ऑन ए पटिशन, मतलब मे उनकी जरूरी नहीं है, इन ग्राउंड्स पर डालनी ही डालनी है, या डिवोर्स अपने आप हो जाएगा, वॉइड और वॉइडेबल की उन्होंने अलग से लिस्ट बना दी है, और यहाँ पे भी उन्होंने पार्टीज पे दे दिया है, ये बहुत सारे केसेस आप देखोगे प्रैक्टिकल भी देखोगे कि ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे, डिवोर्स नहीं लिया, हो सकता है इनमें से कई चीज़ आपने देखी भी हो कहीं पे, और फिर भी इकट्ठे रह रहे हों, तो क्योंकि ये पार्टीज की मर्जी है देखा जाए तो, ये भी एक तरह से वॉइडेबल का ही है, एक तरह से इम्प्लाइडली वॉइडेबल है, कि अगर वो एडजस्ट कर रहे हैं उसको पार्टी, तो हो सकता है एडजस्ट कर लें, तो हो सकता है कि कुछ के लिए कोई फर्क ना हो, कोई इतना लिबरल माइंड हो कि ठीक है अगर बदल लिया तो कोई बात नहीं, हिंदू थे अगर कोई और धर्म में बदल लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, सिखिज्म में आ गए, मुस्लिम बन गए, हिंदू से किसी और में चले गए हैं, धर्म बदल लिया है, ठीक है, क्रिश्चियन बन गए हैं, तो हो सकता है फर्क ना पड़े, पर कईयों को हो सकता है बहुत फर्क पड़े, कहीं कहें कि नहीं हमारा तो धर्म खत्म हो गया, मेरा तो वो मोक्ष खत्म हो जाएगा, मोक्ष ही नहीं मिलेगा,
मुझे तो मोक्ष तभी प्राप्त होगा अगर मेरी हिंदू वाइफ के साथ ही मेरा एक हिंदू बेटा पैदा होगा और उस हिंदू बेटा ही मुझे अग्नि देगा, तभी मेरा मेरी मोक्ष प्राप्ति होगी। ठीक है, इसको हम गलत नहीं कह सकते, अपनी सबकी अपनी अपनी है। तो अगर कन्वर्जन कर लेता है हिंदू में, हिंदू को कन्वर्ट करके किसी और धर्म में चल जाता है, ठीक है, कन्वर्जन हो जाती है, तो फिर उसको माना जाएगा कि ये जो है वो ग्राउंड बन जाती है डिसोल्यूशन की, मैरिज को ख़त्म करने की, डिसॉल्व करने की एक ग्राउंड मानी जा सकती है। ठीक है, क्लॉज वाइज याद कर लेना, क्लॉज भी देख लेना इसको। क्लॉज टू में हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, इवन इसमें ख्याल रखना कि हिंदू अगर लेडी या हिंदू हस्बैंड सिख बन जाता है तो वो भी कन्वर्जन मानी जाएगी इस कंसेप्ट के लिए। ठीक है, कन्वर्जन जो है कन्वर्जन हो सकता है उसमें भी कन्वर्जन को माना जाए। वैसे देखा जाए तो सिख जो है हिंदू के बीच में ही आते हैं, पर सिर्फ हिंदू मैरिज के लिए वो सिख जो है हिंदू में आ रहे हैं। ठीक है, पर कन्वर्जन जो है यहाँ पे वो कन्वर्जन रिलीजन अपना बदल लेना पूरा, तो उसको भी कन्वर्जन माना जाएगा। ठीक है, अनदर रिलीजन। फिर नेक्स्ट है थर्ड क्लॉज, हैज बीन इनक्योरेबल, इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, इनक्योरेबल ऑफ अनसाउंड माइंड, इनक्योरेबल है अनसाउंड माइंड जो है, इनक्योरेबल है, ठीक नहीं हो सकता, क्योरेबल नहीं है, इनक्योरेबल है। ठीक है, और हैज बीन सफरिंग कॉन्टिन्यूसली और इंटरमिटेंटली। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली या इंटरमिटली, रुक रुक के बीच में इंटरवल्स में, फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच काइंड, या इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर है एंड टू सच एन एक्सटेंट, और इस एक्सटेंट का है दैट द पिटिशनर कैन नॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लाइव विद द रिस्पॉन्डेंट, की वो रिस्पॉन्डेंट के साथ रह ही नहीं सकते। ठीक है, इस तरीके की वो जो है, ठीक है, वो हस्बैंड जो है उसको दौरे पड़ते हैं। अब आपने कहा था टेम्परेरी होगी परमानेंट होगी, तो अब इसको बहुत वाइडर कर दिया उन्होंने, या तो कह दिया क्योरेबल है, हो सकता है वो क्योरेबल हो, पर टेम्परेरी भी ऐसी है जो बहुत खतरनाक है जिसमें रहना, या फिर देखो या तो है अनसाउंड माइंड क्योरेबल, अनसाउंडनेस माइंड है, थोड़े दिमाग थोड़े टाइम के लिए खराब हो गया है पर पता कि दवाई से ठीक हो जाएगा टाइम से, या फिर और हैज बीन सफरिंग कॉन्टिन्यूसली और इंटरमीडिएटली, या तो लगातार या इंटरमीडिएटली रुक रुक के फ्रॉम मेंटल और दौरे पड़ते हैं। ठीक है ना, दौरा पै गया, दौरा पै रहा है, दौरा पै रहा है मतलब मेंटल डिसऑर्डर है वो, इस तरह का है जिससे कि पटिशनर का रहना, एक रीजनेबली रहना उसके साथ, रिस्पॉन्डेंट के साथ रहना मुश्किल हो गया है। ठीक है, उसको वैसे तो बहुत अच्छा, बहुत प्यार करता है अपनी वाइफ को, ठीक है, पर जब उसको दौरा पड़ता है तो वो कहता है कि इसके अंदर तो भूत आ गया, और उसकी आंखों में तो वो कहता कि वो मुझे भूत आ रहा, मैं भूत निकालूंगा। भूत निकालने के लिए वो चाकू उठा के ले आता है, रसोई से जाके चाकू उठा के ले आता है, पर जब उसको दौरा पड़ता है वो जान बचा रही है अपनी, कमरे में घुस के लॉक लगा के, या उल्टा वाइफ से वर्षा, वाइफ को दौरा पड़ जाता है, वाइफ कहती है, वो एक वो थी ना फिल्म, क्या थी जिसमें है नहीं, जिसमें वो उसका वो बन जाती है, वो विद्या बालन की थी, भूत भूल रही है क्या कुछ थी ऐसी जिसमें उसको दौरा पड़ जाता है। ठीक है, तो अब वो दौरा जो ऐसा है कि जिसमें वो अब हस्बैंड वो कह रही है कि मैं तो, ये तो कोई और है, मैं इसको मारूंगी, चाकू लेके उसके पीछे पीछे भागती है। ठीक है, ये हस्बैंड जो है वो कह रहा है, ये हस्बैंड कह रहा है कि ये तो मुझे अपनी वो मरी हुई दादी दिखती है इसमें, कुछ मतलब इस तरीके से है जो रहना, रीजनेबली रहना मुश्किल नहीं है। वो उसके पैर छूने शुरू कर देता है वहां पे, ये मेरी दादी, उसकी पूजा करनी शुरू कर देता है, कुछ ऐसा है ऑर्डर है जिसमें रहना मुश्किल है, कुछ भी मतलब ऐसा है इस एक्सटेंड की है। अगर वो टेम्परेरी भी है ना और रहना मुश्किल है, तो वो भी उस मेंटल डिसऑर्डर में भी वो ग्राउंड है डिवोर्स लेने के लिए। वो अपनी जान बचाएगी, सारी रात वो जान बचाती फिर रही है, कुंडा लगा के अंदर डर के बैठी हुई है कि वो चाकू लेके बाहर बैठा, सुबह ठीक हो जाता है वो। ठीक है, सुबह तो वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, उसको रोज लेके जाता है, ठीक है, खाना खिलाने बाहर लेके जाता है, होटल में लेके जाता है, रात को फिर वो उसको भूत चुड़ैल दिखनी शुरू हो जाती है, या फिर एक्सप्रेशन किया है इसकी क्लॉज द एक्सप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर मीन्स मेंटल इलनेस अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। ठीक है, साइकोपैथिक डिसऑर्डर और एनी अदर डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड एंड इंक्लूड सिजोफ्रेनिया, ये सब उसी की गाइड्स है। द एक्सप्रेशन साइकोपैथिक डिसऑर्डर मीन्स ए परसिस्टेंट डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड वेदर नॉट इंक्लूडिंग सब नॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस।
विच रिजल्ट इन एबनॉर्मली अग्रेसिव और सीरियसली इनरिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द अदर पार्टी एंड वेदर और नॉट इट रिक्वायर्स और इज ससेप्टिबल टू मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, वो है कुछ इनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी है, वो तारे निकाल देता है, बिजली के तारे खोल के बैठ जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा कर देता है कोई, हाँ, या बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ जाता है, मरने मराने पे आ जाता है, गुस्से में बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा वो इनरिस्पॉन्सिबल भी है, चीज़ों को इनरिस्पॉन्सिबल छोड़ देता है, गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देता है, कुछ और है, मतलब कुछ सोच लो किस तरीके के, कुछ ऐसा है जिससे नुकसान हो सकता है। वैसे ठीक है, पर कुछ इनरिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं उसको पता लगती, कुछ और, अब वो टींडे मंगाए कद्दू ले आए तो ये रिस्पॉन्सिबल नेचर नहीं हो सकता, ये तो गलती हो सकती है, ठीक है, समझ नहीं आता कि पर क्या है, दालों दोलों का डिफरेंस नहीं पता लगता, इसको इनरिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते, पर कोई हाईली रिस्पॉन्सिबल है, कुछ पता ही नहीं उसको, वाइफ को कुंडा लगा के चला जाता है बाहर, उसको इतना ही नहीं पता, कुछ दवाई तो जानबूझ के कुछ और मिक्स कर देना, कुछ मतलब समझ लो कोई हाईली इरिस्पॉन्सिबल नेचर का है पर्सन। फिफ्थ हैज बीन सफरिंग फ्रॉम विनरल डिजीज इन ए कम्युनिकेबल फॉर्म। ठीक है, कोई विनरल डिजीज है और कम्युनिकेबल फॉर्म में है, जिससे दूसरे को भी हो सकता है, तो उसके लिए भी वो उस ग्राउंड पे भी ले सकता है, इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं है, विनरल डिजीज हो सकती है। सिक्स्थ हैज रनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू रिलीजियस डिसऑर्डर। रनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग रिलीजियस ऑर्डर की वजह से, कई बार वैसे हिंदू धर्म में माना गया है कि जो आश्रम डिवाइड किए 25 साल तक तुमने ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र नहीं ब्रह्म आसन, ठीक है, मतलब है ब्रह्मचार्य आसन आसन या ब्रह्मचार्य जो है तुम्हारा, ठीक है, तुमने मतलब 25 साल तक 25 साल से 50 साल तक तुमने गृहस्थ आश्रम करना है, बच्चे पैदा करने, बच्चों का देखभाल करनी, उसके बाद सन्यास आश्रम, कुछ चार तरह के आसन से मुझे ज़्यादा नहीं पता, तो उसको वैसे रिलीजियसली माना गया है। सिर्फ कपड़े पहन लेना घर में, ठीक है, भगवा कपड़े पहन लेना, उसको नहीं हम कह सकते, जो आसन जो रिलीजियस अनाउंस करते हैं ना, जो वो बन जाते हैं साधु जो सन्यास आश्रम लेते हैं, उसके एक रिचुअल्स होते हैं प्रॉपर फॉलो करने पड़ते हैं, और घर को अपनी जिम्मेदारी छोड़ के चले जाते हैं जब वो लेते हैं ना, जो सन्यास आश्रम में जब वो जाते हैं, तो वो आश्रम सन्यास आश्रम में जाके वो अपनी सारी लाइबिलिटीज खत्म कर देते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसको डिवाइड कर देते हैं खुद ही अपने जीते जी, डिवाइड करके दे के उसके बाद एक प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो करके, ठीक है, कईयों में बाल कटाते हैं, कईयों में कुछ वो लेते हैं उनसे कोई दीक्षा लेते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, परमानेंटली छोड़ देते हैं। एक होते हैं कि घर में ही कभी डाल लिए, कोई भगवा कपड़े पहन लिए और घर में थोड़ी सी एक्स्ट्रा पूजा वगैरह करनी शुरू कर दी, अब वो सन्यास आश्रम नहीं है, वो रिनाउंस द वर्ल्ड नहीं है, वो उन्होंने रिनाउंस नहीं किया वर्ल्ड को, उसको नहीं आप कह सकते कि वो छोड़ दिए, ठीक है, वो नहीं हम कह सकते कि वो सन्यास आश्रम ले लिया है, वो तो घर पे कई लोग कर लेते हैं, भगवा कपड़े पहन लेते हैं, उसमें वो अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे होते हैं, जो गृहस्थ आश्रम की वो भी होते हैं और सन्यास की आश्रम का भी एक तरह से सन्यासी भी बन जाते हैं, अगर तो वो घर पे रह के अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं जो एक चाहिए होती है, ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिलीजियस हो गए हैं, पर अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब मेंटेन भी कर रहे हैं वाइफ को जो घर में चाहिए, शाम को जो सब्जी चाहिए टिंडे टुंडे वो भी लेके आ रहे हैं, सारा सामान भी लेके आ रहे हैं घर पे, बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं, तो वो ये नहीं है कि वो सन्यासी बन गए, अनाउंस कर ले, अनाउंस का मतलब है कि प्रॉपर्टी टोटली छोड़ के फैमिली छोड़ के सन्यासी बन गए हैं, उसको माना जाएगा कि वो सन्यास आश्रम में चले गए, उस ग्राउंड पे दे सकते हैं, घर में रह के थोड़े बहुत कपड़े चेंज कर लेना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिलीजियस हो गया ना, वो नहीं, उसको नहीं आप कह सकते कि ये सन्यास आश्रम चले गए, सन्यासी बन गए, अनाउंस द वर्ल्ड कर लिए, ठीक है। फिर लास्ट ग्राउंड है सेवन, हैज नॉट बीन हर्ड फॉर बीइंग अलाइव फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स और मोर बाय दोज पर्संस हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ इट हैड दैट पार्टी बीन अलाइव। ठीक है, उसको 7 साल से ज़्यादा नहीं सुना गया उसके बारे में, उन लोगों ने जो नेचुरली जिनके पास वो रहते हैं, ज़्यादातर जिनके फैमिली दोस्तों रिश्तेदारों में जो जनरली सुनते हैं जिनके बारे में, उनके बारे में 7 साल तक नहीं सुना उन लोगों ने, तो इसका माना जाएगा उस ग्राउंड पे डिवोर्स लिया जा सकता है,
ठीक है, जब मैंने आपको 494 कराया था उसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल में कराया था ये वाला 7 ईयर्स वाला, कि जैसे अब सपोज एक फिल्म भी थी जिसमें एक आर्मी पर्सन था जो जिसको पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया लड़ाई में, ठीक है, कुछ ऐसी फिल्म भी थी। एक्चुअल में भी ये केसेस हुए हैं, लड़ाई में गए वहां पे पता नहीं लगा उनको, ये नहीं पता लगा कि मरा है या इसको कैप्चर कर लिया गया, लोगों ने सोच लिया मर गया है, कुछ सुना नहीं। और वो कहता उसको किसी और जो थी एलियन एनिमी जो कंट्री थी उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। या फिर एक शिप का केस है जिसमें वो पानी का शिप डूब गया और लगा कि ये मर गया है, तो उसके लिए 7 साल का टाइम दिया कि 7 साल तक अगर वो नहीं आता तो उस पर डिक्री ली जा सकती है, डिवोर्स की डिक्री ली जा सकती है डिवोर्स के लिए, ठीक है। अब ऐसा ही हुआ कि 7 साल तक बंदे के सुना नहीं, उसने शादी कर ली दूसरी और लड़की ने, अब वो हस्बैंड वापस आ गया, ठीक है, आर्मी से, जब उसको वहां पे कैप्चर किया था एलियन आर्मी ने, उसको जो एनिमी आर्मी थी उन्हें कैप्चर कर लिया, बाद में 8-10 साल बाद छोड़ दिया, अब वो शादी कर चुकी थी किसी और पर्सन के साथ, ठीक है। ये मतलब एक्चुअल में रियल केस है, इंडिया के भी है, फॉरेन के भी हैं। ये था हस्बैंड और ये थी इसकी वाइफ, ये 7 साल तक, ठीक है, नॉट हर्ड फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक नहीं सुना। इसने क्या कर ली, शादी कर ली किसी और से, ठीक है, हो सकता है इसके भाई से ही कर ली, एक दो केस है जिसमें उसके भाई से ही कर ली, ठीक है, या फिर किसी और पर्सन से शादी कर ली। अब वो आ गया वापस, ठीक है, अब वो आके दोबारा उसके पास आ गया, अब वो कह रहा है मेरी वाइफ मुझे वापस चाहिए, मैं तो केस करूंगा, ठीक है। तो इसने जो है इसने दूसरी शादी कर ली मेरे जीते जी। तो इसमें दो चीजें हैं, ठीक है, दो इसमें सिचुएशंस अराइज होंगी। अगर तो 7 साल तक इसका नहीं सुना तो ये डिवोर्स की डिग्री ले सकती है अंडर सेक्शन 13 में, डिग्री ले ली तो फिर तो अब हुआ क्या था, अब इसकी इंटीमेसी इसके साथ ज्यादा हो चुकी थी, इस पर्सन के साथ, सेकंड हस्बैंड के साथ, इसके साथ अब 7 साल तक नहीं है, इससे इंटीमेसी खत्म हो गई थी, इससे इंटीमेसी ज्यादा हो गई थी। अब ये भी नहीं वापस आना चाहती अपने पुराने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड चाहता है कि ये मेरे पास दोबारा आए, ठीक है, हस्बैंड जो अब आ गया जो 7 साल बाद आ गया है दोबारा आ गया, वो चाहता मेरे साथ अब हो। तो अगर तो उसने डिवोर्स की डिग्री ले ली है तो फिर तो वो उसकी लेडी की मर्जी है, वो दूसरे हस्बैंड के साथ वो लीगली उसकी वाइफ मानी जाएगी। और अगर उसने डिग्री नहीं ली तो वाइफ इसी की मानी जाएगी, ये जो मैरिज, ये इसकी कोई लॉज में, लॉ के आइज में इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, पर उसको 494 के लिए लायबल नहीं किया जाएगा। देखिए ये मैंने 494 में आपको कराया था, उसके लिए उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, उसको पनिश नहीं किया जाएगा 494 के लिए, अदरवाइज तो क्या है ऑफेंस बन गया ना बाइगेमी का सेक्शन 494, तो उसको 494 के लिए लायबल नहीं किया जाएगा, पर सेकंड मैरिज की कोई वैलिडिटी नहीं होगी, ठीक है, वो उसकी कोई अवॉइड होगी क्योंकि जीते जी है। पर अगर 7 साल के बाद उसने डिग्री ले ली है फिर शादी कर ली तो नई मैरिज उसकी मानी जाएगी, पिछली मैरिज खत्म हो जाएगी, वो वहां से चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसके लॉ में उन्होंने ये इस पे क्लैरिफाई कर दिया, तो इसलिए कि डिग्री जो है वो ले ली जाए तो दूसरी मैरिज बनेगी, नई डिग्री ली तो पिछली मैरिज जो है वो मानी जाएगी, अगली की कोई वैल्यू नहीं है, पर उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी इस पर, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए। ये 494 में मैंने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको सारे क्लॉजेस क्लियर हो गए, इस पर थोड़ी सी डिक्टेशन कर लो। अडल्ट्री पे लिख लो, पहले लिखो लिखो अडल्ट्री पे लिखो, अडल्ट्री सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1, ठीक है, अडल्ट्री दैट इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन, अडल्ट्री दैट इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 That is required under Section 13, Clause 1, Sub-Clause 1, is not to be seen, is not to be seen in technical sense, is not to be seen in technical sense, as in Section 497 IPC, as in Section 497 IPC. Rather, it is a mere act of
Rather, it is a mere act of extramarital. Rather, it is a mere act of extra marital sexual intercourse. It is not necessary. It is not necessary that spouse concerned. It is not necessary that spouse concerned should be living in adultery. That spouse concerned should be living in adultery. Rather, even a single act of rather even a single act of sexual intercourse rather even a single act of sexual intercourse would be sufficient adulterous intercourse हाँ जी फुल स्टॉप अडल्टरस इंटरकोर्स इज एन एक्ट अडल्टरस इंटरकोर्स इज एन एक्ट डन इन सीक्रेटली डन इन सीक्रेटली ओब्लिक सीक्रेसी एंड देयर फॉर डायरेक्ट एविडेंस एंड देयर फॉर डायरेक्ट एविडेंस मे नॉट बी अवेलेबल and therefore direct evidence may not be available so act has to be decided so act has to be decided on basis of so act has to be decided on basis of preponderance of evidence preponderance of evidence comma the court will look at the court will look at circumstantial evidence the court will look at circumstantial evidence available and on that basis It will draw, and on that basis, it will draw reasonable inference, 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 reasonable inference. For adding there to desertion. Desertion can be of two category. Desertion can be of two category. ठीक है इसको ऐसे बना ही लो बेशक डिजर्शन को ना दो कैटेगरी का मतलब ऐसे बना लो एक है फिजिकल डिजेशन एक है वर्चुअल डिजेशन फिजिकल डिजेशन एंड वर्चुअल डिजेशन फिजिकल डिजेशन इज वेयर द स्पाउस Physical desertion is where the spouse has actually left the conjugal home. Spouse has actually left the conjugal home. That is has physically physically reputed Repudiated from the other spouse,
from the other spouse, wherein virtual desertion held in virtual desertion held in एक केस लिख लो, नीना वर्सेस लक्ष्मण 1964 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसके जस्टिस थे जस्टिस सुब्बा राव, जस्टिस सुब्बा राव ने इसमें वो जजमेंट दी थी। इज ए केस वेयर इवन दो स्पाउसेस आर स्टेइंग टुगेदर, स्पाउसेस आर स्टेइंग टुगेदर इन सेम हाउस द कंसर्न्ड स्पाउस डज नॉट इंटरेक्ट एंड नॉट फुलफिल डज नॉट इंटरेक्ट एंड नॉट फुलफिल हिज कंजुगल ड्यूटीज नॉट फुलफिल हिज कंजुगल ड्यूटीज टूवर्ड्स द अदर स्पाउस कंजुगल ड्यूटीज टूवर्ड्स द अदर स्पाउस फिर पहला चेंज करके लिखो एट द टाइम ऑफ मैरिज द स्पाउसेस मेक म्यूचुअल अंडरटेकिंग दैट दे विल कोहैबिट एंड फुलफिल कंजुगल ड्यूटीज दे विल कोहैबिट एंड फुलफिल कंजुगल ड्यूटीज एंड इफ वन ऑफ देम सेपरेट्स अवे विदाउट रीजनेबल कॉज it will be a case of violation of conjugal duties and hence the affected spouse should get either should get either right to restitution get either right to restitution of conjugal rights either right to restitution of conjugal rights restitution of conjugal rights or right to divorce फिर पहला चीज करके लिखो neither of these cases restitution of conjugal either right to restitution of conjugal rights or right to divorce next देखो neither of these cases the spouse which has deserted has the right to approve reasonable and sufficient cause for the desertion फिर पहला चेंज करके लिखो द पिटिशनर हैज टू प्रूव द
द पिटिशनर हैज टू प्रूव द एनिमस डिसेंडी एनिमस डिसेंडी इंटेंशन टू डिजर्ट द दैट इज द इंटेंशन टू डिजर्ट द रीजनेबल कॉज इंटेंशन टू डिजर्ट द रीजनेबल कॉज कैन बी क्रुएल्टी इंटेंशन टू डिजर्ट फुल स्टॉप द रीजनेबल कॉज कैन बी क्रुएल्टी द रीजनेबल कॉज कैन बी क्रुएल्टी कॉमा लिविंग ऑफ इनफेमस लाइफ लिविंग ऑफ इनफेमस लाइफ ब्रैकेट से लिख लो इमोरल ओब्लिक क्रिमिनल एटसेट्रा इनफेमस लाइफ लिविंग ऑफ इनफेमस लाइफ ब्रैकेट से लिख लो इमोरल ओब्लिक क्रिमिनल एटसेट्रा कॉमा इट कैन इवन बी ए कॉमा इट कैन इवन बी ए केस ऑफ स्पाउस इट कैन इवन बी ए केस ऑफ स्पाउस हैविंग टू लाइव एट अदर प्लेस हैविंग टू लाइव एट अदर प्लेस बिकॉज ऑफ सम जॉब कंपल्शन बिकॉज ऑफ सम जॉब कंपल्शन In such cases, it shall be examined. It shall be examined whether respondent. It shall be examined whether respondent has deliberately. Respondent has deliberately chosen to get. Respondent has deliberately chosen to get himself or herself deliberately chosen to get himself or herself transferred to other place transferred to other place and whether respondent transferred to other place and whether respondent and whether respondent is deliberately And whether respondent is deliberately avoiding the company, respondent is deliberately avoiding the company of petitioner, avoiding the company of petitioner, despite the possibility of their coming together, despite the possibility of their coming together. Even on holidays, they're coming together. Even on holidays, फिर नीचे नोट लिख लो सेक्शन 13 क्लॉज 2, सेक्शन 13 क्लॉज 2 talks about wife's petition for divorce. पटिशन फॉर डिवोर्स ठीक है बाकी क्रुएल्टी पे मैं बाद में नेक्स्ट इकट्ठी करा दूंगा उस पर ठीक है क्लियर है यहाँ तक आपको कुछ पूछना तो देख लो